है, सत्ता है, शक्ति है और सत्य है। तो देखिए इसका सभी को पता है कि मेरे को पॉसिबिलिटी परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए या फिर विश के लिए यूज करते हैं, बट डिफरेंट तरीके से कैसे यूज करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले एनीथिंग मे हैपन, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, मे आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो इसके लिए क्या है, ये परमिशन ले रहे हैं। अगर आपको किसी से भी परमिशन लेनी तो आपको मे का यूज करना होता है। नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी बड़ा है जब हमें उसको आशीर्वाद देना होता है, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या दी जा रही, ब्लेसिंग दी जा रही, विश दी जा रही, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, मे का यूज किया। अब देखिए रिक्वेस्ट को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा बट थोड़ी देर बाद। देखिए मे का यूज हो गया, अब हम बात करेंगे मे बी की। तो मे बी का हिंदी मीनिंग होगा हो सकता है, हो सकती है या फिर हो सकते हैं। ये भी एक तरीके से पॉसिबिलिटी को ही दिखाता है। जैसे ही मे बी 60 इयर्स ओल्ड, वह या उसकी उम्र 60 वर्ष हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज वी आर नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट हिज एज। Now, next question है, he may be in class. जैसे कि कोई बाहर है और बाहर से एक अनुमान लगा रहा है कि क्या वह क्लास के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट है she may be in party. अगर कोई किसी को ढूंढ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, she may be in party. हो सकता है कि वो पार्टी में हो सकती है, वह पार्टी में हो सकती है। नेक्स्ट है may have. देखिए may have का यूज बहुत कम सीखा है, बहुत कम कन्वर्सेशन में लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है बहुत ही कॉमन सेंटेंस, सुना भी होगा आपने, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अगर क्लास के अंदर या किसी भी जगह पर आप कोई मीटिंग कर रहे हो और आप लोग बात कर रहे हैं या आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे तो आपको क्या बोलना है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो देखिए मे के साथ क्या यूज किया हमने, हैव। इसी का एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मे आई हैव अ पीस ऑफ केक, क्या मैं केक का एक और पीस ले सकता हूँ या खा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम मे हैव का यूज करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मे बी दो तरीके से यूज होगा, दोनों तरीके में आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मे हैव बीन को कैसे यूज करना है, ठीक। तो देखिए अब हम बात करेंगे मे बी को किस किस तरीके से यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट जो मे बी था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, न्यूज मे बी फॉल्स, न्यूज जो है वो फॉल्स भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। तो देखिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं मे का, तो उसके लिए भी हम मे बी का यूज कर सकते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या है, बी का यूज हो रहा है होने के लिए और इस बी का इस्तेमाल हो रहा है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जैसे हिज मदर मे स्कॉल्ड हिम, उसकी माँ उसे डांट सकती है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ही मे बी स्कॉल्ड बाय हिज मदर, कि वह अपनी माँ के द्वारा डांटा जाया सकता है, कि उसकी माँ जो है मतलब उसको डांट पड़ सकती है, किससे, अपनी माँ से। नेक्स्ट यूज है मे हैव बीन, ये भी आपने कुछ नया सीखा हुआ और हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि मे हैव बीन को किस तरीके से यूज करना है। देखिए ही मे हैव बीन चॉक्ड, उसका गला दबाया होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उसका गला दबाया होगा, मतलब कोई पैसिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस के तरीके से सेंटेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। तो देखिए ही मे हैव बीन चॉक्ड, उसका गला दबाया होगा, ये देखिए ये विदाउट पैसिव वॉइस सेंटेंस है। देयर may have been some human error, अगर मैंने कुछ नोट्स या कुछ बनाए हो, जैसे कुछ प्रोजेक्ट बनाया हो या फिर कोई नोट्स फाइल तैयार की हो, कोई फाइल तैयार की हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर may have been some human error, इसमें कुछ मानवीय गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मे का कंप्लीट सेंस सीखेंगे और इनको हम अलग अलग तरीके से अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी ग्रामर में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में हम यूज करेंगे।